जहां इस वक्त गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस वक्त जो अभी जल्दी सर्दियां खत्म हुई हैं, इसी के साथ एक हमारे साथ इस वक्त बात करने के मौजूद हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हेमंत मोहन, जो हमें ये बताएंगे खास तौर पे क्या क्या हिदायतें हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ हमें इन गर्मियों के मौसम में बरतनी चाहिए। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या खास खास चीज़ें हमें इस सावधानी के तौर पर बरतनी चाहिए उस विषय में? देखिए, इस समय दिन गर्म है, रात ठंडी है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं वो एकदम से अगर ठंडा पानी एसी या कूलर में ना बैठें, उनको एकदम से ऐसा करने से वायरल शोर थ्रोट या वायरल फीवर 103 104 फीवर आने लगता है। पहले वो आएँ, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो, उसके बाद वो हल्का ठंडा पानी पी सकते हैं, वो भी ठंडे में सादा पानी मिला करके। और आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, खट्टी चीज़ें हैं, शादी पार्टियों में जाकर बहुत ज़्यादा ऑयली घी तेल चिकनाई ना लें, जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, फाइबर खाएं, जूसी वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, सुबह सुबह आधा घंटा टहलें, प्राणायाम करें। और हम एक चीज़ और बोलेंगे, अगर इस समय 103 104 फीवर हो जाता है तो ठंडे पानी की बर्फ़ की पट्टी करें। धूप में इस समय सन स्ट्रोक के केसेस हम लोग के पास काफ़ी आ रहे हैं, उसमें बीपी एकदम से लो हो जाता है, ऐसे पेशेंट को ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, बराबर इलेक्ट्रॉल देना चाहिए, जिंक देना चाहिए, कुछ भी ना हो नमक शक्कर का घोल देना चाहिए, और सोडियम पोटेशियम को मेंटेन रखना चाहिए। और इसके साथ साथ गर्मी में जो चर्म रोग होते हैं, जिसमें प्रिकली हीट वगैरह होता है, फंगल होता है, लाइकोडर्मा होता है, तो ऐसे उसमें जो है निकटतम होम्योपैथी चिकित्सक से दवाई लेनी चाहिए। उसमें कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेना चाहिए। इस वक्त डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं और अभी नवजात शिशु हैं, उनके लिए कुछ ऐसा होम रेमेडीज की अगर उनको लू लगे या फिर उनको ORS का स्टेप का कुछ? उनको ORS लेना चाहिए, उनको नारियल का पानी लेना चाहिए, उनको मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी, या हमारे होम्योपैथिक में बायोकेमिक 21 होती है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पावर पैदा करती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है। और जितने भी न्यूनेटल बेबी होते हैं, उन्हें वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस या डेंटिशन के टाइम में समर डायरिया होने लगता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट वर्क करती है। इसमें हमारी होम्योपैथी में कैमोमिला 30 अगर साथ में दे दी जाए, मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी के साथ, ORS के साथ, तो इट डस मिरेकल। बुजुर्गों को इस समय धूप से बचना चाहिए, और बहुत से बुजुर्गों को इस समय अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। सर्दी के हिसाब से वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो पतला होता जाता है। जब ब्लड पतला होता जाता है तो हमें ब्लड प्रेशर की दवाई आधी कर देनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक ज़्यादा करना चाहिए, डायबिटीज़ का लेवल भी उसमें कम होने लगता है। तो डॉक्टर से मिल करके लेटेस्ट बीपी शुगर की जांच कराकर उसी के अकॉर्डिंग दवाई की डोज लेनी चाहिए, नहीं तो बीपी ज़्यादा लो हो जाने से एकदम से कोमा या बेहोशी आ सकती है। ये थे होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हेमंत मोहन, जिन्होंने महिलाओं और वृद्धों और बच्चों को अलग अलग टिप्स बताई। इन्होंने बताया कि खास तौर पे जो हमें अपनी अपनी प्रिकॉशंस है वो अपने हिसाब से देखनी चाहिए। इसी के साथ आकाश, इंडिया लाइव टीवी, कैमरा पर्सन निखिल गुप्ता। गर्मियों के मौसम में खास तौर पे बुखार का भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो प्रकोप बढ़ जाता है। इसी के साथ यहाँ पे एक पेशेंट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो बताएंगी कि कैसा क्या होम्योपैथिक का जो प्रणाली है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। आपका नाम? शिल्पा मेहता। नहीं, एक्चुअली समर्स में थोड़ा सा बच्चे को वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो बस वही था। नहीं, जब उसको फीवर आता है तब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट ये होता है कि जड़ से चला जाता है फीवर। कितने, तो कितने आवर्स लगते हैं, कितने दिन लगते हैं? 5-6 दिन में ठीक हो जाता है फीवर, एंड वो फिर लौट के नहीं भी आता है, और बच्चे को दवाई खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखा जाए तो गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया, आपने अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिए हैं? हाँ, प्रिकॉशंस ये लेने शुरू कर दिए हैं कि पानी ज़्यादा पीते हैं बच्चे, अभी एसी का जितना हो सकता है उस पर रोक लगा कर चल रहे हैं, और नॉर्मल वाटर पीते हैं, घर का खाना खाते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी एक पेशेंट जिन्होंने बताया कि इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब जो फीवर है उसका एक शेड्यूल होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से वो एक कंफर्टेबली एक कंफर्ट लेवल में रहता है। इसी के साथ आकाश, निखिल गुप्ता, इंडिया लाइव टीवी, कानपुर।